सभी का इस YouTube चैनल सरकारी लोक पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है लेकिन आपके एड्रेस पे नहीं आया है तो आप ट्रैफिक पुलिस चेकिंग या चालान से बचने के लिए क्या आपको करना होगा, उसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो परिवहन की साइट की तरफ से एक इन्फो शेयर की गई है जिसमें अगर आप अपने मोबाइल में वर्चुअल या डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो तो किस तरीके से आपको रखना होगा वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वर्चुअल या डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस अगर ऐप ऐप में रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है, एप्लीकेंट इज एडवाइज टू डाउनलोड डिजिटल स्लैश वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम एम परिवहन मोबाइल ऐप विच इज लीगली वैलिड एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। देयर इज नो नीड टू कैरी एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट इफ एम परिवहन और डिजी लॉकर बेस्ड वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस इज कैरिड इन द मोबाइल। अगर आप अपने मोबाइल में एम परिवहन या डिजी लॉकर ऐप में अपना वर्चुअल या डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस सेव करके रखते हैं और चेकिंग के दौरान अगर आप दिखाते हैं तो ये लीगली वैलिड है। जो वर्चुअल या डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस है ये लीगली वैलिड है एज पर सीएमवी रूल। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से एम परिवहन या डिजी लॉकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं अगर आप आईओएस डिवाइस या एप्पल मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो एम परिवहन या डिजी लॉकर। अकाउंट इस पे बना लीजिएगा और उसके बाद ओपन कीजिएगा। तो जैसे एम परिवहन की ही बात करें तो एम परिवहन जब आप इंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद अकाउंट बना के ओपन करोगे तो इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे व्हीकल मेंशन है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपके जो एप्लीकेशन है लाइसेंस की, तो उस पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन लॉग इन करके वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर वो सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डाल के सर्च पे आप क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब अगर आप वर्चुअल या डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रिएट वर्चुअल डीएल पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगेगा, लाइसेंस में जो डेट ऑफ बर्थ आपके में वो आप डालिएगा, लाइसेंस के एप्लीकेशन में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे एक कोड दिख जाएगा, ये स्कैन कोड दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नाम आपका दिख जाएगा, स्टेटस दिख जाएगा लाइसेंस का, यहाँ पे फादर नेम दिख जाएगा और बाकी की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। लाइसेंस से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आप डालिएगा लाइसेंस, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप व्हीकल रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो व्हीकल यहाँ पे डालिएगा, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर और भी व्हीकल रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक पे हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, सोशल साइट पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी काफ़ी वीडियो हमने काफ़ी कैटेगरी भी इस चैनल पे अपलोड कर रखी है और इनमें काफ़ी वीडियो जो भी कैटेगरी है इनमें काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।